पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में अवैध अंग्रेज शराब को जब्त कर ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर विमल कुमार ने घोड़समथम्मा ओपी में प्रेस वार्ता कर बताया कि सूचना प्राप्त हुई है कि ट्रक में अवैध अंग्रेजी शराब लूट कर घोड़थम्मा के रास्ते बिहार की ओर से जाने वाली। उक्त सूचना के आलोक में खुरी महुआ SDPO राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस टीम के द्वारा संभावित जगहों पर छापेमारी किया जाने पर तथा नमाडीह SST चेक पोस्ट पर उक्त वाहन को आते ही देखकर चेक किया गया। शराब की कीमत लगभग 51 लाख की होने का अनुमान लगाया जा रहा है। छापेमारी दल में जमुआ इंस्पेक्टर रोहित कुमार महतो, घोड़थम्मा ओपी प्रभारी शंभु नंद ईश्वर, राजनीश कुमार, राजकुमार सिंह सहित घोड़थम्मा ओपी के सशक्त बल के जवान शामिल हैं। ट्रक के द्वारा जो है वो अवैध अंग्रेजी शराब लोड करके और वो घोड़थम्मा के रास्ते बिहार की ओर उसको जाना है और इसी सूचना के आलोक में एक टीम बनाया गया SDPO खोरी महुआ के नेतृत्व में, जिसमें इंस्पेक्टर जमुआ अंचल, थाना प्रभारी घोड़थम्मा ओपी और साथ में जो भी पदाधिकारी थे, ये टीम बनाया गया। और चूँकि हमारा यहाँ पे SST चेक पोस्ट भी नीमाडी में चल रहा है, उसमें चेकिंग ठीक से किया गया और चेकिंग के क्रम में 1:30 बजे के करीब रमाकांत सिंह और वहाँ पे दंडाधिकारी थे, साथ में